नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इजी अकाउंट्स, जिसके माध्यम से हम आपके अकाउंट्स रिलेटेड टॉपिक्स और क्वेरीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त पंकज बिस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ये चैप्टर आपकी क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बेस पे आपके आने वाले 4-5 चैप्टर डिपेंड करते हैं। ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ बेसिक चीजों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसके अंदर हम आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है आपका सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो यह बताता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप एक रिश्ता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का, जो कि वहां पर बिजनेस करने को तैयार है और बिजनेस से होने वाले लाभ या हानि को बांटने को तैयार है। दूसरा पॉइंट हम लोग लेने वाले हैं रूल ऑफ कंपनीज मिसलिनियस एक्ट 2014, जो आपको बताता है कि पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए आपके पास कितनी मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए पार्टनर्स की, जो है 50। द मैक्सिमम लिमिट हैविंग अ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो पहला फीचर आपका आ रहा है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। वहां पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट 50। दूसरे हम लोग पॉइंट की बात करते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब यह है कि आपको पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट वहां पर होना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता है कि वो एग्रीमेंट ओरल है या रिटन है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेदर इट इज ओरल और रिटन। तीसरा हम लोग बात करते हैं बिजनेस की। देयर मस्ट बी अ बिजनेस और अ लॉफुल बिजनेस। अगर आप चोरी करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो इलीगल माना जाएगा, वो कोई लॉफुल बिजनेस नहीं होगा। चौथा पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मींस ये है कि बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। पांचवा पॉइंट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब यह है कि बिजनेस को एक आदमी सबके लिए कर सकता है या फिर सारे के सारे मिल करके काम वहां पर कर सकते हैं। यहां पर इसका मतलब यह भी है कि सबके सब एक बिजनेस के अंदर एजेंट भी है और साथ साथ में प्रिंसिपल भी है। तो ये थे आपके फीचर्स। तो अगला पॉइंट है आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ द फर्म दैट आउटलाइंस द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप अमंग द पार्टनर्स। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस की बात की गई है। टर्म एंड कंडीशंस क्या यहाँ पर है उसकी बात हम लोग अभी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको समझिए कि पार्टनरशिप डीड एक अग्रीमेंट है जिसको आप रिटन या ओरल में कर सकते हैं, लेकिन जहां तक की बात है कि किसी यहां पर अभी किसी का भी कोई भरोसा नहीं होता है, तो इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि आपके पास अग्रीमेंट रिटन में ही होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है पार्टनरशिप डीड की, ये आप लोगों को रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका निकल के आता है प्रॉफिट शेयरिंग। तो नंबर वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, तो आपको उस प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई बात की गई है तो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको उसको ट्रीट करना है। जैसा भी आपको कहा गया होगा वैसे ही आपको उसको ट्रीट करना है। जिस रेशियो में आपको डिवाइड करने को कहा गया होगा उसी रेशियो में आपको डिवाइड करना है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी बात नहीं की गई है प्रॉफिट शेयरिंग की, तो आपको उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हाँ कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% पर एनम अलाउ होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी बात नहीं की गई है उस केस पे
उसको 6% पर एनम ही इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में इसकी बात नहीं की गई है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है या नहीं चार्ज करना है। चौथी बात है सैलरी एंड कमीशन की। सैलरी और कमीशन के बारे में अगर आपको डीड के अंदर नहीं कहा गया है तो आप कोई सैलरी और कोई कमीशन नहीं देंगे। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी और कमीशन की बात की गई है तो आप सैलरी और कमीशन एज इट इज जैसा भी कहा गया है वैसा दीजिए। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट मेंटेन करे थे। सबसे पहले आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिसमें से आपका आता है नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में। पर यहां पर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की जिसके अंदर आपको उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग द पार्टनर्स। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको एक अकाउंट मेंटेन करना होता है जिसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज यू नो दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम जितनी भी इनकम्स होती थी उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे और जितनी भी एक्सपेंसेस थे उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे। उसी प्रकार से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जितनी भी इनकम्स है आपके पास फर्म के अंदर उनको आपको डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है और जितनी भी एक्सपेंसेस है उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। तो आइए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका नेट प्रॉफिट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए है, तो इसको आपको क्रेडिट साइड पर लिखना है। फिर इस प्रॉफिट में से ही आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस को आपको हटाना है, जितने भी चीजें आपको देनी है वो इस प्रॉफिट में से देना है, जैसे कि इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग करी हुई है तो उस ड्रॉइंग पे अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो फर्म का एक इनकम माना जाएगा और उसको ट्रीट करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड की बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी भी पार्टनर के द्वारा लगाई गई पूंजी पे अगर उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसको आपको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट आ गया पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। अगर कोई पार्टनर अपने कमीशन या सैलरी के लिए एंटाइटल्ड है तो उसको सैलरी और कमीशन आपको देना है। नेक्स्ट आपके पास रिजर्व्स। रिजर्व्स वो पार्ट है प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, तो आपको भी इसको भी डेबिट साइड पर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, आपको जो भी प्रॉफिट लास्ट में बच जाता है तो उसको उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या बोला है? तो भाइयों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो प्रकार से मेंटेन किया जाता है। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको दो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर आपको एक ही अकाउंट मेंटेन करना होता है और वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके अंदर कैपिटल से रिलेटेड चीजों को आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखनी होती है, बट अदर जितने भी ट्रांजेक्शन है आपको उन सबको करंट अकाउंट के अंदर ट्रीट करना होता है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर सारा का सारे ट्रांजेक्शन आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर आप लिख सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल अकाउंट बोला गया है तो आप उसमें करंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोला गया है तो आप उसमें कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके रिलेटेड टॉपिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमको उसको कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।